हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इरेशनैलिटी प्रूफ्स ऑफ अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री एंड अंडर रूट फाइव क्लास नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं इरेशनल नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू क्लास नाइन्थ में ये हम पढ़ चुके हैं इरेशनल रैशनल नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉन ज़ीरो इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं पी और क्यू इंटीजर्स हैं क्यू नॉन जीरो है ये हम क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं वी कैन प्रूव दैट अंडरूट एन इज इरेशनल नंबर फॉर एन टू बी एनी प्राइम नंबर अगर एन कोई एक प्राइम नंबर है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं अंडर रूट एन इज़ ए रैशनल नंबर तो क्लास टेंथ में हम इसे प्रूव करेंगे जैसे कि अंडर रूट टू इज़ एन ए रेशनल नंबर अंडर रूट थ्री ए रैशनल नंबर अंडर रूट फाइव ए रैशनल नंबर इनको प्रूफ कैसे किया जाए उससे पहले हम थ्योरम्स को देखते हैं थ्योरम अ प्राइम नंबर पी If a prime number P divides A square, then P divides A, where P is a positive integer. तो पहले अंडर रोड टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव व इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें यह प्रूव प्रूव करना होगा कि कोई एक प्राइम नंबर पी अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर पाएगा पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड कर लेगा वेयर p इज़ अ पॉजिटिव इंटीज़र प्रूफ We write A equal to P one, P two, multiply and so on, PN, where P one, P two, and so on, PN are primes. फॉर एक्ज़ाम्पल जैसे 15 होता है तो 15 को हम प्राइम नंबर्स अगर लिखना चाहें प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तो 3 इंटू फाइव लिखेंगे 3 प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर है 3 इंटू फाइव फिफ्टीन ठीक इसी तरह से 15 की जगह यहाँ पर a है और p1, p2 एंड सो ऑन की जगह 3 और 5 हैं जैसे p1 3 हो गया p2 5 हो गया 3 इंटू फाइव इक्वल टू फिफ्टीन तो ऐसे ही एक नंबर है उसको ऐसे फैक्टराइज किया गया है तो p1, p2 एंड सो वन अप टू पी एन तो ये जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू वापस से लेकर आएगी p1 से लेकर पी एन ये सब प्राइम नंबर्स हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर अप टू सो ऑन पी एन स्क्वायर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर जब सबके ऊपर जाएगा तो पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर अप टू सो ऑन पी एन स्क्वायर इस तरह से ये बन जाएगा नाउ पी डिवाइड से स्क्वायर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है ये हमें गिवन है पी डिवाइड से स्क्वायर ए आ प्राइम नंबर पी डिवाइड से स्क्वायर मतलब कि पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है ये हमें गिवन है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब पी जो है वो इन्हीं नंबर्स में से कोई एक नंबर है जो यहाँ पर लिखे गए हैं विच एम्प्लाइज p इज अ फैक्टर ऑफ पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर अप टू सो ऑन पी एन स्क्वायर पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है और ए स्क्वायर के फैक्टर्स यही हैं इसका मतलब पी इन्हीं में से कोई फैक्टर होगा पी इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन वई नो दैट प्राइम्स इन द फैक्ट्राइजेशन आर यूनिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरेथमेटिक के अकॉर्डिंग ये जो फैक्ट्राइजेशन होती है ये यूनिक होती है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरेथमेटिक विच इंप्लाइज पी इज अ प्राइम विच इज़ वन आउट ऑफ द प्राइम पी वन टू पी एन तो यहाँ पर p एक प्राइम है एंड इज वन आउट ऑफ द प्राइम्स अब ये जो प्राइम नंबर है p ये इन्हीं प्राइम नंबर में से कोई एक हो सकता है सपोज p इक्वल टू पी जे हम यहाँ पर सपोज करते हैं p इक्वल टू पी जे जे जो, जो है जैसे वन टू थ्री एंड सो वन एन तक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो वन तो यहाँ पर जे जो है वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिससे कि ये पी के इक्वल हो जाता है यानी पी इन्हीं पी वन पी टू से लेकर पी एन के बीच में कोई एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर लिखा गया है पी जे की फॉर्म में जे यहाँ पर कोई भी वन से लेकर एन तक नंबर हो सकता है जिसको इक्वल टू पी कहा गया है For some value of J from one to N, PJ divides P one multiply P two. तो इसका मतलब पी जे जो है वो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है पी जे डिवाइड्स पी वन पी टू एंड सो ऑन पी एन इसका मतलब पी जे जो है वो यहाँ पर इसका फैक्टर है इसमें से कोई एक हो सकता है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा विच इम्प्लाइज पी जे डिवाइड्स ए विच एम्प्लाइज पी डिवाइड्स ए क्योंकि पी जे अगर इनमें से कोई एक फैक्टर हो सकता है तो ये ए को पूरी तरह से डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो है रिमाइंडर यहाँ पर ज़ीरो है डिविडेंड इक्वल टू तो डिवाइजर इनटू टू प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर ज़ीरो होने का मतलब कि इन सभी नंबर्स में से कोई भी नंबर लेंगे तो वो ए को पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो पी जे डिवाइड से तो पी जे इन्हीं में से कोई फैक्टर हो सकता है अगर पी जे ए को डिवाइड करता है तो पी जे इक्वल टू पी ये हम अभी लिखे थे पी जे इक्वल टू पी है अगर पी जे डिवाइड से करता है तो पी भी ए को डिवाइड करेगा तो इस तरह से p डिवाइड्स ए स्क्वायर अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा फिर से एग्ज़ाम्पल पर आते हैं फिफ्टीन इक्वल टू थ्री इन टू फाइव तो अगर हम स्क्वायर कर दें फिफ्टीन का स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव का स्क्वायर जैसा कि यहाँ पर स्क्वायरिंग की गई थी तो अगर थ्री फिफ्टीन को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर p डिवाइड्स ए स्क्वायर p डिवाइड्स ए स्क्वायर अगर थ्री यहाँ पर फिफ्टीन स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्री यहाँ पर फिफ्टीन को भी डिवाइड कर लेगा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है फ़िफ्टीन स्क्वायर इक्वल टू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर इसका मतलब थ्री भी फिफ्टीन को डिवाइड फिफ्टी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और फाइव भी फिफ्टीन के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो इस हिसाब से ये थ्री जो है ये फ़िफ्टीन को डिवाइड करेगा और फाइव भी फिफ्टीन को डिवाइड कर लेगा फ़िफ्टीन स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव अगर हम इसको यूक्लिड थ्योरम की तरह देखें तो डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनमें से मान लीजिए डिवाइज़र थ्री है तो ये कोशेंट है प्लस रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब जी, रिमाइंडर ज़ीरो है मतलब थ्री फिफ्टीन के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस हिसाब से थ्री जो है फ़िफ्टीन को भी डिवाइड कर लेगा हम यहाँ पर फाइव को भी डिवाइज़र ले सकते हैं तो फाइव डिवाइज़र होगा तो ये बाकी डिविडेंट बन जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो फाइव फिफ्टीन के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो फाइव फिफ्टीन को भी डिवाइड कर लेगा तो इस तरह से पी डिवाइड्स ए स्क्वायर अगर पी ए स्क्वायर को पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड कर लेगा